नमस्कार, मैं रामदेवी बावरी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, रईसनगर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं बेटियों की महिला दिवस पर यात्रा फ्री की गई है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करती हूँ। जो बेटियाँ ओलंपिक जीत कर आएंगी, उनको भी राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये राशि दी जाएगी। इसी के लिए मैं राज्य सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बेटियों, बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, आप मेहनत कर अच्छे नंबर लाएं ताकि अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। गढ़शाना से हमारे संवाददाता सुखप्रीत सिंह ने बताया कि गढ़शाना में बालाजी कंप्यूटर सेंटर पर नेहरू युवा क्लब द्वारा कार्यक्रम किया गया। नेहरू युवा क्लब केंद्र श्री गंगानगर ब्लॉक से भीमराज, राकेश व नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता, संस्था प्रधान गोपाल वर्मा, संतोष सिंह दालीवाल, मोहित जिंदल एवं समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थीगण। इसका मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं को जागरूक करना, भविष्य के प्रति शिक्षा अभियान, नशा मुक्ति अभियान, संविधान के प्रति जागरूक करना और भी अनेक युवाओं को जैसे पौधारोपण, सफाई अभियान, स्वस्थ भारत अभियान, इस तरह के कार्य के लिए युवाओं को जागरूक करने मुख्य उद्देश्य रहा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी इस क्षेत्र के पत्रकारगण और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले बताना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज आपके गढ़शाना ब्लॉक में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इसके नाम से ही स्पष्ट है। पढ़ा है आपने, बैनर सामने लगा हुआ है, युवा मंडल विकास सम्मेलन कार्यक्रम। आप ही के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आयोजित हो रहा है।